एक दफा यहूदियों की औरतों ने शरारत की कि हजरत फातिमा को बुलाते हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते माजल्ला सुम्मा माजल्ला कहती हैं घर आई औरतें कहने लगी हुजूर अपनी बेटी को भेजिए हमारे घर में शादी है हम चाहती हैं ये वहां लोगों को तबलीग करें दीन का पैगाम दे अब इस्लाम पर तो हुजूर जरूर भेजा करते थे चाहे को धोखे से ही बुलाता मेरे हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फातिमा जाओ हजरत फातिमा कहती हैं हाँ तो कर ली पर मेरे वजूद पे कपड़े फटे हुए थे कई जगह पे पेबंद थे और मुझे पता था ये औरतें किस मिजाज की हैं फरमाती हैं मैंने ना हुजूर ने कहा तो मेरी आंखों में दो कतरे आंसुओं के आ गए मैंने कहा या अल्लाह अपने लिए नहीं तेरे नबी के दीन के वकार के लिए या अल्लाह ये औरतें ये बड़े बुरे ख्यालात और नजरियात की हैं ये मजाक उड़ाएंगी दीन इस्लाम का मेहरबानी फरमा नजर करम फरमा हजरत फातिमा फरमाती अभी मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई रसूल पाक फिर तशरीफ ले आए और फरमाए फातिमा क्या क्या सोच रही थी क्या कह रही थी का हुजूर कोई खास नहीं पर मैं नहीं कुछ तो तू कह ही रही थी कुछ तो तू सोच ही रही थी कहती है मैंने बादशाही के नजारे घर में देखे कुछ तो सोच रही हुजूर क्या हुआ फरमाते हैं हुजूर ने चादर मुबारक खोली अंदर से जोड़ा निकाला पर मैं पता नहीं तूने क्या सोचा है जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेके पहुंच